हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली सेना का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले हुए, ताबड़तोड़ बरसाए गए 200 रॉकेट। इजरायल ने गाजा पर पैराट्रूपर के जरिए किया हमला। इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हजारों लोगों ने किया सड़कों पर प्रदर्शन, गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग की है। इजरायल के रक्षा मंत्री येव गैलेंट का बयान, सीज फायर के समझौते में बंधकों को वापस लाया जाएगा, लेकिन इससे लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इटली में एटना ज्वालामुखी फूटा, गैस और राख का बादल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा। रूस के इस्कंदर मिसाइल ने यूक्रेनी पैट्रियट सिस्टम पर किया हमला। रूसी सेना ने ओडिशा में 2 पैट्रियट लॉन्चर और 1 रडार स्टेशन को नष्ट किया। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल का बयान, वामपंथी गठबंधन को चुनावी नेता के रूप में पेश किए जाने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, हेलीकॉप्टर से पानी डालकर बुझाई जा रही आग।